क्या अभी BMGS खत्म हो गया है एंड ग्लोबल स्पोर्ट्स जीत चुकी, लेकिन हम सबकी फैन फेवरेट तो भैया गॉडली थी एंड भैया वो हालांकि रनर अप आए हैं वो लोग, लेकिन भाई हमारे दिल में वो जीत चुके। तो आज हम देखने वाले गॉडल की सबसे खतरनाक मूवमेंट्स एंड क्लचेस जो गॉडल ने इन्हों साथ में मिलकर मारे। भाई तैयार हो जाओ एक एक्शन पैक वीडियो के लिए, सब्सक्राइब कर दो चैनल पे नया रिसर्च करता है आज के मजेदार वीडियो। सबसे पहले तो भाई गॉडेल का यू नो मिरामार का ही मैच निकल के आता है जिसके अंदर लिटरली लोगों ने 20 किल कर दिए थे भाई। देखिए कितनी ज्यादा कवर मिक्स के ऊपर पूरा था और शैडो जाएंगे जरूर फाइट लेने के लिए और सीधा फाइट लेकर के अपनी टीम निग्मा गैलेक्सी को। लेकिन उसके बाद यू नो थोड़ा सा वक्त बाद जिंदगी बदल गया है एंड ग्लोबल ईस्पोर्ट्स ने एकदम यू नो फाइनली कुछ मैचेस में गॉडल का थोड़ा लक फेवर नहीं किया है। ग्लोबल ईस्पोर्ट्स ने जो गेम प्ले दिखाया वहाँ पे, अगर आपको ये पबजी और फ्री फायर में डायमंड्स या यूसी जीतना है तो एक जबरदस्ती ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका नाम है IMBR। आपको इधर आसानी से BGMI में फ्री फायर के डायमंड्स पाने हैं तो ये वीडियो को ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको ज्वाइन करना IMBR को जो कि इंडिया नंबर वन सोशल गेमिंग ऐप बैटल रॉयल प्लेयर्स के लिए। इसमें आप फ्री फायर BGMI और COD मोबाइल खेल के एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स जीत सकते हैं। आप अपनी सिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हो डेली और वीकली बैटल्स में और सिटी MVP बन के बोनस रिवॉर्ड जीत सकते हैं जैसे फ्री फायर डायमंड्स, BGMI, UC और COD पॉइंट्स। IMBR यूज करना बहुत ज्यादा सिंपल है, आप अपने गेम को खेलते रहिए और IMBR आपके स्कोर को ऑटोमेटिकली कैप्चर कर देगा और आपको शार्ट्स और स्क्रैच कार्ड्स मिलेंगे जो आप रिडीम कर सकते हो शॉप में और प्राइसेस डेली रिफ्रेश होते हैं यहाँ। इस ऐप में खेलने के लिए आपको फ्लिपकार्ट, अमेजोन और मिंत्रा के गिफ्ट कार्ड्स भी मिलेंगे और अगर आप बढ़िया खेलते हो सैमसंग का फोन, लिनोवो टैबलेट और JBL स्पीकर्स और खूब सारे फीचर्ड प्राइसेस भी हैं। तो वेट किस बात की है यार, ज्वाइन करो कम्युनिटी 8 लाख प्लस बैटल रॉयल गेमर्स की, जल्दी डाउनलोड करिए IMBR को, लिंक डिस्क्रिप्शन में, अभी लिंक क्लिक करिए। ओके भाई गॉडल शैडो ने क्लोज इन किया SG के अगेंस्ट। ओह नो सोमराज यहां पे नॉकड एक गैम्बल बॉय के ऊपर। ओ गैम्बल बॉय ऑल डेड हो गए। ओके अभी यहां पे कंपाउंड में आ गए हमारे गॉडल जोनाथन नियो। इनसेन के स्क्वाड को स्प्रे मारा भाई, इन लोगों ने लिटरली 20 किल किए थे यार, लाइक ऐसे पीछे पड़ पड़ के मारा था यार, जोन के बाहर चले गए। अब जैसे यहाँ देखो लिटरली जोन के बाहर जाके पिक्स लिए गए हैं। अब यहाँ पे 1 HP जोनाथन अंदर गया लेकिन पूरे कवर है, अच्छा सर्कल है इनके पास। भाई 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 क्या ही कवर है, यहाँ से किल्स पे किल्स मिलेंगे इन्हें। ओके लेफ्ट पीक लिया, कोई दिखा नहीं वहां पे। न्यू ने एक बंदे को नॉक किया यार, बोलो कुछ भी तुम लेकिन इनका जो लाइनअप है ना गाइस ऐसा फायरिंग स्क्वाड टाइप है भाई, आते पेल देते उठा के बंदे। अब यहाँ पे ओजी की लाइन सामने लेकिन ऐश यहाँ पे स्पॉट रहता हुआ, विजार्ड भी यहाँ पे एक स्प्रे में जोनाथन ने स्प्रे ट्रांसफर करके दोनों को उड़ा दिया। जोनाथन का ट्रेड ले लेकिन जोनाथन इजिली रिवाइव हो जाएगा लेकिन विजार्ड का मेरे को लगता नहीं यहाँ पे रिवाइवल पॉसिबल हो पाया क्योंकि बहुत ओपन में गया है वो। ओएस यहाँ पे क्लोजिंग कर रहा 420 OP के साथ पीछे कवर के अंदर, उनको ये एरिया चाहिए कुछ भी करके। और आखिरी की टीम से 3v3 सिचुएशन है यहाँ पे, गॉडल वर्सेस TF कौन जीतेगी। ओके ओएस यहाँ पे नॉक हो चुका है, ओएच बहुत आगे आ गया था लेकिन उनपे जोन भी नहीं तो ना अंदर आना ही पड़ेगा। 420 OP और दलजीत यहाँ पे होल्ड कर चुके हैं भाई, दलजीत पास जी हमारे वन ऑफ द बेस्ट स्नाइपर है गेम के। अब ये देखना होगा यहाँ पर क्या होगा। ओह नो दलजीत यहाँ पे पिक हो गया, अभी 3-1 की सिचुएशन 420 OP के ऊपर, गॉडल ने फुल रश कर दिया है भाई। 420 इवन दो वन ऑफ द बेस्ट असॉल्टर्स लेकिन गॉडल के 3 बंदों को रोकना इम्पॉसिबल। यही देखना था आपने, गलत ही मैच था ये। ये वही टीम है, 20 किल्स कर रही है, कहां पे पहुंच गई। द नंबर ऑफ फिनिशेस, द स्टाइल दे प्लेड, अमेजिंग। मुस्कान दे की पता चला कि टीम में कितनी खुशी है। अब यहाँ पर यू नो एक कार फाइट हुई थी जिसमें यू नो गॉडल नियो और जोनाथन साथ में अपनी लैम्बोर्गिनी में जा रहे थे लेकिन पीछे से इनसेन की स्क्वाड ने इन्हें चेस डाउन किया अपनी टेस्ला में और इनको पूरा फिनिश कर दिया यहाँ पे दोनों को। लेकिन फिर जीक और डिसाइड करता है कि आप भाई ये ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हो गया, वक्त जिस बात जिंदगी बदलना पड़ेगा। तो भाई लिटरली ये बंदे ने 1v3 कर दे यार, इनसेन की लाइनअप पे इनसेन का बंदा नीचे आया, 1 HP बेचारे को वो हेल्थ ही मार रहा था। लाइक भाई इतना गलत स्कैम हुआ ना यहाँ पे।
इंसेन की लाइन भाई गॉडल के बंदों के मुंह पे रुके और यहाँ से एक स्प्रे में इंसेन ऑल डेड। अब हमारी टू फेवरेट टीम गॉडल वर्सेस सोल के बहुत सारे क्लैशेस हुए जिसके अंदर अब ये पोचिंग के आउटर कंपाउंड पे गॉडल वर्सेस सोल की यहाँ पे 4v4 फाइट निकल के आ रही है। शायद कल ही हो पाएगी या फिर गॉब्लिन ने नेड निकाला भाई। गॉब्लिन के नेड अनबीटेबल है गाइस। सोल को हम देख पा रहे ग्रेनेड को किया जा रहा है, ग्रेनेड जीगॉट के लिए खराब हो सकता है हल्का सा मिसो, लेकिन जीगॉट ने वाली वन में गॉब्लिन को अभी रॉक निकाला। सोल शैडो पीछे से क्लोज इन कर रहा है। अक्षत ने यहां पे एक प्लेयर को फिनिश किया, नॉक किया लेकिन नियो ने यहां पे टीम सोल होल्ड इट। सोल इज एलिमिनेटेड, टीम सोल इज एलिमिनेटेड भाई साहब। दे नीडेड दिस गेम को 17 पॉइंट का एडवांटेज गॉडल के पास है। यहां पे यू नो फाइनल सर्कल में क्लैश निकल के आ रहा है गॉडल सोल ओजी और यू नो साइड टॉप की जी की टीम्स का। यहां पे चारों टीम्स फाइनल सर्कल में बैठी है। अब यहां पर तुमको कुछ ऐसे मूवमेंट देखने को मिलेंगे जो तुमको बिलीव नहीं होगा भाई। अब यहां पे यू नो गॉडल यहाँ पे धीरे धीरे क्लोजिंग करती है। ओजी के बंदे को जोन से निकाला है, किया जाएगा फिनिश डाउन उसका, फिनिश किसके नाम नहीं आएगा। गाड़ी पे पूरा स्प्रे मार रहा है, ट्रिगर की गाड़ी फट सकती है लेकिन ट्रिगर ने खुद ही गाड़ी फोड़ दी। लेकिन ओजी का एक और बंदा गया है यहाँ पे, इसमें जोनाथन ने सोल का एक बंदे को नॉक किया लेकिन पिक ऑफ हो सकते हैं यहाँ पे जोनाथन और उसकी लाइनअप। गॉब्लिन वहां से दो बंदे ऑलरेडी ले जा चुका है। गॉब्लिन अभी के लिए सही जगह पर है जरूर, जोनाथन के पास एक गोली उसको और एक स्प्रे में उस सोल के तीन बंदे ले गया भाई। पहले गॉब्लिन ने 1v3 का गॉडल, फिर गॉडल के जीगॉड ने क्या 1v3 सोल में। भाई साहब क्या चालू हुई है, टीम सोल इज स्टिल सर्वाइविंग बट क्या वो 15 अंकों तक जा पाएंगे क्योंकि ओजी के प्लेयर्स बिल्कुल सामने, विजगॉड इज मूविंग फॉरवर्ड, समय का सदुपयोग किया और बिल्कुल आगे की तरफ जा रहे हैं। विजगॉड नीड्स टू टेक वन नेम डाउन, ही इज गोइंग फॉर इट बट ओमेगा ही रिफ्यूजेस टू गो आउट। ही इज ऑन द बियर यहां पे सिंगल बोल्ट ऑफ एचपी। अब ट्रिगर की आती है बारी, ओमेगा वर्सेस ट्रिगर। सर्वाइव यार ओमेगा की एचपी नहीं है सिचुएशन में, एनिमीज हेड विजगॉड कर चुके हैं। इफ ट्रिगर क्लचस दिस वन आउट इट्स गोना बी द बेस्ट क्लच दैट ही कैन डू एंड ही इज मूविंग फॉरवर्ड फॉर इट। ओमेगा खुद को हील कर चुका है, कंप्लीट मैंने पता चल गया। स्प्रे मारने की कोशिश यहां पे ओमेगा की, हाफ एचपी कर दे ट्रिगर को लेकिन नहीं। He just needs to take one bullet for Trigger to just end this game. Orangutan, what a game! Okay, अब ये गॉडल की फाइट निकल के आ रही है ना। अब यहाँ पे जोनाथन का एक बहुत डेंजरस क्लच निकल के आने वाला है कैप्टन, जो तुम सोच भी नहीं सकते क्योंकि जोनाथन जोन के बाहर है, ठीक है, बूट कैंप के अंदर। एंड उसने भी हेल्थ मारी एंड ओजी के एक बंदे को नॉक किया, ठीक है, इसको फिनिश क्या किल कंफर्म किया क्योंकि जोन के बाहर अंदर जाना हार्ड होगा। राइट ने दूसरा बंदा ओजी का लिया और तीसरा बंदा भी ले गया वो एक साथ झटके में ढेर सारी टीम। अबे ये क्या था एंड वाला, वो ऐश बचा अकेले, लिटरली तीन बंदे ले गया वहां से, वो ले जाएगा जॉनी लास्ट खत्म। अब गाइस बात ऐसी है कि हमारे जोनाथन बन गए भाई एमवीपी एज ऑलवेज, लेकिन इवन दो गॉडल रनर अप आई, अगर तुम नोटिस करो तो गॉडल के जितने भी चार प्लेयर थे उनका अगर तुम एक्सप्रेशन देखोगे तो उनका एक्सप्रेशन देख के ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है वो लोग। कल से लेके आज तक हमने काफी बात करी, जोनाथन बहुत सैड हो गए थे। Fist bump. I can understand what you're feeling right now, but I would still have to say congratulations because this does not come easy. You are competing with every single team member in every single team throughout these 22 days. Hard luck, but you got to take it with a pinch of salt, I guess. Uski shayad thodi baat ki hogi, maybe it's a little too soon, too many emotions right now. Means I was like just Gordon, one of the best teams in tournaments. I was just aiming for that, but hard luck means we couldn't win it. Trophy. Me and my team means like practicing really hard for it, but unfortunately we couldn't win. But I just wanted to win that trophy, that's all. But hard luck, yeah. It's hard luck, but you know it's never really failure when you turn it into a learning experience. I'm sure ek team favorite ban ke utarti hai. Wo easy nahi hota favorite stack. Lekin aapne usko almost last second last game tak zinda rakha us stack ko. So in many ways you lived up to the reputation. Kya seekhne ko mila, you know? Just seeing the competition and the favorite stack is now going to be split between teams. I just wanted to say that ki Wish you all the very best. Still be proud of your performance. Can't wait to see you back, Johnny.
देखो एक्चुअली बात क्या है ना, इन शॉर्ट बताया जाए तो कोई भी नया प्लेयर हमारी यू नो गेमिंग कम्युनिटी में आके कॉम्पी मोड आता है तो हमेशा उससे कंपेयर जॉनाथन से ही किया जाता है, क्योंकि जॉनाथन एक स्टैंडर्ड बन चुका है, समझ रहे हो। एंड कोई भी नया प्लेयर आएगा ना, बोला जाएगा कि क्या ये जॉनाथन के लेवल का है कि नहीं, तो यू नो अपने आप में इन लोगों ने इतना अचीव किया हुआ है। एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट। इसी के साथ आज को इतना ही, पसंद है सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना, नोटिफिकेशन बेल के कमेंट सेक्शन में बताना कि आज को कैसे लगे, जरूर जाकर डाउनलोड करना एमबीआर को। Ladies and gentlemen, can I please have your attention? I need all of you to stop what you're doing and listen.